सो हे यू, व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। सो गाइस, यार आप लोगों को लग रहा होगा कि यार तू यार कहाँ से यार गेम को स्टार्ट कर रहा है। तो यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यार मेरे साथ ना एक स्कैम हुआ है। अभी मैंने ना रिकॉर्डिंग खरीदती इससे पहले भी करीब 20 से 30 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, जिसके अंदर ना मैं काफ़ी सारी केव्स के अंदर गया था अगल बगल वाली। और ना गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कहीं पे भी केव नहीं मिली अच्छी सी, और किसी भी केव के अंदर ना कुछ भी नहीं मिला मेरे को। बस एक से दो आयरन मिले थे मेरे को और कुछ नहीं मिला था। और जब मैंने उसके बाद, मेरा मन नहीं कर रहा था खेलने का, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। और उसके बाद की रिकॉर्डिंग है मेरे पास ये वाली पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, उससे पहले की रिकॉर्डिंग है ही नहीं मेरे पास। सो आज की ये वाली वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले, और जो मेरे घर के पास एक केव थी उस केव के अंदर जाने वाले हैं। मैंने आप लोगों को ना स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि बता देता हूँ, बाकी तो मैंने वहीं से सारा कुछ प्लान कर रखा था, बट क्या करूँ यार यहीं से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ रही है। सो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो एक माइन है, सो इस माइन के अंदर हम लोग जाने वाले हैं आज की इस वाली वीडियो में। और देख सकते हैं आप, मेरे को आते ही कॉल वगैरह मिल चुके हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं ना यहाँ पर जितने भी केव्स के अंदर गया, मैं विलेज के पास गया, उस वाली केव में गया, लेकिन कहीं पे भी गाइस मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और लिटरली बता रहा हूँ, इस वाली केव के अंदर मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला, तो यहाँ का पार्ट भी दिखा के कुछ फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से नीचे जाना हमें तो थोड़े बहुत क्लच वगैरह तो मार के जाना ही पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ से जल्दी जाता हूँ, और रात भी हो रही है वैसे भी फ़िलहाल को, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग माइन के अंदर ही रहने वाले हैं। अगर रात भर सह लेते हैं तो वैसे यहाँ पे क्लच रहेगा, यहाँ पे कर रहा था मैं क्लच। और यहाँ पर देख सकते हो अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो ड्रिप स्टोन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं पर। और ये एक स्पाइडर है, स्पाइडर को जल्दी से मार देता हूँ। वैसे तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, लेकिन यहाँ पे मरने वाला हूँ मैं 2 से 3 बार। आप लोग देखने यार, बहुत ज़्यादा गलत स्कैम हो रहे थे भाई साहब मेरे साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टोन माइन कर लेता हूँ, और एक पिकेक्स बना लेता हूँ, मतलब शॉर्ट बना लेता हूँ, क्योंकि बाद में कहीं ये लोग मेरे को मारने लग जाए जॉम्बिस वगैरह। सो कहते हैं यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट भी बना लिया है, एंड क्राफ्टिंग टेबल को जल्दी से तोड़ते हैं, इसे तोड़ेंगे ताकि जल्दी टूट जाए, वैसे वो टूटने वाला था ऑलरेडी। तो इसको छोड़ते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा टॉर्च वगैरह लगाते हैं। और हाँ, सामने की तरफ गाइस देख सकते हो थोड़ा सा आयरन है, सो इस वाले आयरन को जल्दी से तोड़ते हैं। और अगर गाइस आप लोग थोड़ा बहुत ना बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को सॉरी, मैं मेरी तरफ से सॉरी यार, मुझे मतलब क्या कहूँ यार, आज पता नहीं क्यों बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। जब भी मैं सर्वाइवल सीरीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ ना, पता नहीं बैकग्राउंड में नॉइस क्यों आने लग जाता है। छोड़ो इस बात को, बाकी तो अभी जल्दी चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ कितने सारे ज़ॉम्बीज वगैरह हैं, तो इन ज़ॉम्बीज को मारेंगे हम लोग। वैसे ज़ॉम्बीज को मारने से पहले तो नीचे को थोड़ा सा चल लेता है, क्योंकि यहाँ से मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। सो ये वाला तोड़ते हैं जल्दी से स्टोन, और यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। यार ये ना स्केलेटन से मेरे को नफरत है, और एक बात बता दूँ ना, तो यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ वैसे ही, इन सब से मैं लड़ तो पाऊँगा नहीं। और सामने की तरफ थोड़ा बहुत आयरन वगैरह भी दिख रहा है, तो यहाँ से आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा। सो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ का पार्ट दिखा के भी फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं बढ़ता हूँ यार आगे, और मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो कहते यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं बहुत देर से लड़ रहा था, और यहाँ पर एंडरमैन ने मार ही दिया आफ्टर ऑल मेरे को। सो एंडरमैन से हम लोग मर चुके हैं, और यहाँ पर जल्दी से सो जाते हैं, एंड जल्दी चलेंगे वहाँ थोड़ा बहुत अपना सामान भी लेके आएंगे, क्योंकि सामान पास में ही है, तो पास में ही जाके जल्दी से सामान उठा लेंगे। और वैसे मेरी चेस्ट में कुछ रखा है क्या इस वाली चेस्ट के अंदर? इस वाली चेस्ट में पहले चेक कर लेते, गेट करते बंद, कहीं क्रीपर वगैरह आ जाए। इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं यार, मैंने सारा का सारा सामान मैं वहीं पे लेके गया हूँ। तो जल्दी से चलता हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो जल्दी से कैंप में चलते हैं, एंड वहाँ से हम लोग अपना सामान उठा के लाते हैं। सो गाइस आफ्टर ऑल 3 से 4 बार मरने के बाद फाइनली से यार मेरे को मेरा सारा का सारा सामान मिल चुका है। और अब ना भाई साहब, इस वाली केव के अंदर ना मैं कतई नहीं आने वाला हूँ, कसम से बता रहा हूँ, इस केव के अंदर मैं कभी नहीं आने वाला हूँ। कभी नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक दिन आऊँगा और इनविंसिबल बन के आऊँगा, और इन सारे केव वालों को ना इतना गंदा मारूँगा ना, ये केव वाले भी देखते रह जाएंगे, ये पूरी केव देखती रह जाएगी। और एक दिन आऊँगा पूरे फुल नेदरराइट आर्मर में, और एक एक मॉब को मारूँगा, इनके साथ पुछते याद रखेंगी कि इन्होंने किससे पंगा लिया था। सो अब ज़्यादा डायलॉग बाजी नहीं करते, जल्दी से चलते अपने घर पर। तो गाइस इधर फाइनल से मैं आ चुका अपने घर पे, और यहाँ पे ये वाली जगह मैंने डिसाइड करी है माइन करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सी माइन बनाने वाला हूँ, और इस माइन के अंदर ना मेरे को एक बढ़िया सी चीज़ मिलने वाली है। गैस वॉट, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर मैं ना कुछ इस तरीके की माइन बनाने वाला हूँ, मैं नहीं माइन, और ये मैं ना -64 तक बनाऊँगा। आप लोग ना यार देखते रहना, वैसे इस वाले एपिसोड में -64 तक तो नहीं जाऊँगा, जहाँ तक मेरे को डायमंड मिल जाएंगे ना वहीं तक जाऊँगा, बाकी तो देखते हैं कहाँ तक डायमंड मिलता है। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि डायमंड कौन से कोऑर्डिनेट पे मिलता है, क्योंकि
क्योंकि यार 1.19 का तो मुझे नहीं पता, 1.16 का पता था, 11 कोऑर्डिनेट में मिलता था वाई एक्सिस 11 पे, बाकी 1.19 का आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से वाले कोऑर्डिनेट पे मिलता है। बाकी तो यहाँ पे मेरे को एक बेड चाहिए क्योंकि रात अगर हो जाएगी तो अंदर ही सो जाऊँगा। बाकी तो एक और वूल चाहिए, देखता हूँ आगे मिल जाएगा। तो इधर हर एक चीज़ मैंने बना ली है एंड सब कुछ को सेट करके यहाँ पर मैं जल्दी से भी माइनिंग पे चल लेता हूँ और माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और पिकैक्स भी टूट गई, वाओ स्टार्टिंग में पिकैक्स टूट गई। सो यहाँ पे मैं अभी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कितनी देर में हमको डायमंड मिलते हैं। मेरे को थोड़ा बहुत आयरन भी चाहिए और आज किस वाली वीडियो के अंदर ना मैं पूरा का पूरा अपना आयरन का आर्मर ही बना लूँगा। वैसे अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा था, वैसे क्यों बोल रहा था। वैसे मैंने बेड बना लिया है एंड एक बकेट भी बना लेते हैं और पानी लेके आता हूँ इसके अंदर और बाकी फिर माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। सो या गाइस यार मैं सारे का सारा सामान लेके आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम लोगों ने माइनिंग दोबारा से कंटिन्यू कर लिया है और देखते हैं कितनी देर तक मैं माइनिंग यहाँ पे करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे को माइनिंग करते हुए क्या मिला, लैपिस लजूली, हमारा फर्स्ट लैपिस लजूली मिला यहाँ पर और ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एनचेंटिंग करने में। और या गाइस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड बनाने वाले हैं एनचेंटमेंट टेबल। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही होगा ना क्या मिलने वाला है हमको इस वाले एपिसोड में। वैसे लैपिस लजूली यहाँ पर मिल चुका है एंड और यहाँ पर कुछ मिलेगा तो देखते हैं। वैसे ड्रिपस्टोन क्या कर रहे हैं ड्रिपस्टोन के ब्लॉक्स, बाकी अब कुछ और यहाँ पे नहीं मिलने वाला तो अब हम लोग माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं वाई लेवल 32 पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को लैपिस लजूली मिल चुका है। अब देखते हैं और नीचे हमको क्या मिलता है। तो यार यहाँ पर देख सकते हो जिस चीज़ का डर था वही हुआ यार, मैं यहाँ पर मेरे को एक केव दिख चुकी है। सो इस केव को तो यार मेरे को बंद करना है पड़ेगा। मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर सामने की तरफ तो दीवार तो होगी, तो उस दीवार तक ना मैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाने वाला हूँ और वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा दूंगा एंड में कैसे कैसे मैंने बनाया है। ये सब तो नहीं दिखाऊँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी तो मैं आप लोगों को ना बना के मिलता हूँ क्योंकि यार अब मेरे को ब्रिज बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें कॉबलस्टोन लगेंगे। जितने कॉबलस्टोन मैंने ना यहाँ पर लगाए ना सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। सो सामने की तरफ देख सकते हो काफ़ी पास में ही है दीवार, ऐसे पानी से लटक के देख रहा हूँ। सो बना दूंगा मैं, जल्दी बना दूंगा। सो गाइस यार फाइनली से मैंने इस वाले ब्रिज को भी कंप्लीट कर दिया। आप लोग देख सकते हो कितना सारा कब्रस्टोन इसके अंदर लगा हुआ है एंड अब हम लोग अपनी माइनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर यार और भी कितना सारा यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ इसे, बाकी तो मैं कर लूँगा इसे। अब बढ़ते यार हम लोग अपनी माइनिंग पे और अब मैं एंड में दिखाऊँगा आप लोगों को मेरे को क्या क्या मिला है और ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा नहीं इस माइनिंग के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैं माइनिंग कर ही रहा था और यहाँ पर एक और बड़ा सा ना केव आया, तो यहाँ पे मैं ब्रिजिंग कर ही रहा था लेकिन तभी मेरे को ना ये कुछ आयरन यहाँ पर देखने को मिला और मेरे को मच गई चुल। और चुल तो आप लोगों को पता है कितनी डेंजरस चीज़ है, तो जो चुल मिटाने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे आयरन है, वैसे काफ़ी सारे आयरन तो इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। सो यहाँ पर सारे के सारे आयरन जल्दी से कलेक्ट करते हैं और मेरी इन्वेंटरी इतनी बुरी तरीके से भरी है ना, मैंने इतनी सारी पिकैक्स बना ली पता नहीं क्यों क्या सोच समझ के। वैसे मैंने डबल टैप कर दिया था और माइनक्राफ्ट की पॉकेट एडिशन के अंदर पता नहीं शॉर्टकट्स बहुत सारे ऐड कर दिए 1.19 में, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना, काफ़ी सारे शॉर्टकट डाल दिए इन लोगों ने। डबल टैप पर पूरी की पूरी यार बन जाती है, पूरा एक स्टैक बन जाता है। तो यार इतनी सारी पिकेक्स बन गई जितनी मेरी इन्वेंटरी में स्पेस था। बाकी तो देख सकते हो नीचे नहीं जाऊंगा भाई, जॉम्बी से बड़ा खतरा है मेरे को। अभी मेरे पास आर्मर अच्छा नहीं है, इनको बताऊंगा आर्मर जब आने दो मेरे पास, तब तक इनको दूर से मार के मजे ले लेते हैं। ले अब क्या करेगा, क्या कर लेगा क्या तू मेरा, कुछ क्या कर लेगा अब बता, अब बोलना अब क्या हो गया। वैसे कहीं स्केलेटन आ गया तो वो मेरे को मार देगा यहाँ से बेमतलब है। वैसे गिरा तो नहीं पाएगा स्केलेटन, शील्ड वैसे ही मेरे पास, शील्ड भी कभी कभी काम नहीं करती है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफ़ी बढ़िया से एक और ब्रिज बनाया है यहाँ पर, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे माइनिंग की तरफ माइनिंग पे। और लेफ्ट साइड में गोल्ड भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बट वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्यों एक गोल्ड के लिए क्यों इतना रिस्क लूँ, वैसे ही गोल्ड मेरे को ऐसे ही मिल जाता है नेदर के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरे को स्लाइम मिला था और इस स्लाइम को भी जल्दी से मार देते हैं। और थोड़ी और आवाज़ आ रही है, ओ माय गॉड ऊपर बड़ा वाला स्लाइम भी है।
वैसे देखते हैं इसको मारने से कितना सारा हमको स्लाइम बॉल मिलती है। वैसे यहाँ पे क्यों क्राउच कर रहा हूँ मैं, ऊपर चलते हैं और ऊपर से इसको मार देते हैं। वैसे यार ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मुझे पता है आप लोग देखोगे नहीं, बट फ्री में बना रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, कुछ लोग देखते हैं। प्लीज़ यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक कर देना, और आप में से ना यार 95% बंदों ने तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड हमारे 2K सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो यार, 1.5K हो चुके हैं हमारे, मतलब 5K हुए तो नहीं है, 5K भी होने वाले हैं, तो जल्दी से करवा दो यार। माइनिंग करेंगे और माइनिंग करते रहेंगे, और यहाँ पर माइनिंग करते रहेंगे जब तक -64 पर नहीं पहुँचते, और जब तक -64 पर नहीं पहुँचेंगे माइनिंग रुकनी नहीं चाहिए। वैसे -3 पर मैं पहुँच चुका हूँ, और देखते हैं यार डायमंड कहाँ मिलेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और यार अभी तक तो मिल जाने चाहिए थे यार आयरन, नहीं डायमंड, और आयरन मेरे को काफ़ी सारे मिल जाता, तो वो वाला सीन मैंने नहीं दिखाया है। वैसे चलो देखते यार नीचे, ओ माई गॉड डायमंड्स। सो गाइस यार यहाँ पर हमको डायमंड मिल चुके हैं, तो हम लोग अपनी रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को ना डायमंड के अगल बगल के ब्लॉक्स खोदने होते हैं, तो वो भी आयरन के पिकेक्स से, मिनिमम आयरन के पिकेक्स होने चाहिए, वो क्या कहते हैं इसको स्टोन के पिकेक्स से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर 3-4 मिल जाए मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जल्दी से आयरन भी काफ़ी सारा, तो आयरन को भी जल्दी से खोदते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारा आयरन है, वैसे काफ़ी सारा तो नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे मैं आयरन क्यों खोद रहा हूँ, मेरे पास अगर डायमंड है तो मैं डायमंड क्यों नहीं खोद रहा हूँ। वैसे पूरी की पूरी इन्वेंट्री भरी हुई है, डायमंड भी नहीं मिलेगा मेरे को। वैसे आयरन को जल्दी से ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे रीति रिवाज के अनुसार, माइनक्राफ्ट के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर अगले बगले ब्लॉक्स खोदे जाते हैं। वैसे मैं इतना ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहता, डायरेक्ट माइन करते हैं, यहाँ पर देखना चाहता हूँ मैं कितने डायमंड्स हैं। तो ये पहला डायमंड जल्दी से उठाते हैं यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, फाइनल से हमारे पास एक डायमंड हो चुका है। और यहाँ पे सेकंड डायमंड, दो ही थे, व्हाट द हेक मैन, चलो यार दो ही डायमंड से कोई बात नहीं। अब यहाँ पर और माइन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मेरे को और भी डायमंड्स मिल जाए। फाइनल से यार हमारे पास दो डायमंड्स हो चुके हैं, एंड इससे मैं स्वॉर्ड तो नहीं बनाऊँगा, मैं पिकेक्स ही बनाऊँगा, और 2-3 डायमंड्स ढूंढ लेते हैं उससे। तो गाइस मैंने फैसला करा ना कि यहाँ पे ही मैं ना स्ट्रेट डिग डाउन करते रहूँगा जब तक मेरे को डायमंड्स और नहीं मिल जाते हैं। सो जल्दी से करते रहते हैं यहीं पे स्ट्रेट डिग डाउन, और मेरे को पता है यहाँ पर मेरे को डायमंड्स 100% मिलने ही वाले हैं, क्योंकि यार मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ यार, मेरे को पता है ऑलरेडी, बट रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा मेरा यार वॉइस ओवर के ऊपर, सही था ना रिएक्शन, तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे यहाँ पर और डायमंड मिलेंगे हमें, जल्दी जल्दी माइन करते हैं, और ऑलरेडी यार काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो प्लीज़ यार एंड तक देख लेना। मेरे को ना इसी बात का डर रहता है कि यार आप लोग ना वीडियो को एंड तक नहीं देखते, और फाइनली यार और डायमंड हमको मिल चुके हैं, तो हम लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे इसके अगल बगल के स्टोन को खोदेंगे, और यहाँ पर देखते हैं टोटल कितने डायमंड्स हैं। वैसे कहते इतना झंझट नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट माइन करता हूँ, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर टोटल हमको मिले हैं 5 डायमंड्स। तो 5 डायमंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, सो अब और स्ट्रेट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि और लालच करना बुरी बात है। वैसे और स्ट्रेट डाउन कर लेते हैं, स्ट्रेट थोड़ा सा कुछ हो नहीं जाएगा। सो गाइस यार लेफ्ट साइड में ना काफ़ी सारा पानी आ गया था, इसलिए राइट साइड में मैं डिग डाउन करने लगा, डिग डाउन नहीं होता यार, स्ट्रेट डिग करने लगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को सामने की तरफ एक और डायमंड का पीस देखने को मिल रहा है, तो जल्दी चलते हैं उस वाले डायमंड को भी ले सकते हैं अगर हम ले पाएँ तो, बाकी तो अगर नीचे गिर जाए तो वो बात अलग है, तो जल्दी चलते हैं यार। तो गाइस यार बड़ी मशक्क़तों के बाद मैं फाइनल से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देते सेफ्टी के लिए, ताकि ये मेरी इन्वेंट्री में आ जाए। पता है नीचे गिर गया, वाओ, और मैं नीचे जाना नहीं चाहता हूँ, नीचे अगर गया तो मेरे को खा जाएंगे ज़ॉम्बीज वगैरह। अरे यार एक डायमंड चला गया यार, बड़ा दुख हो रहा है यार, सही बता रहा हूँ 7 डायमंड है मेरे पास टोटल वैसे, बट फिर भी यार एक डायमंड की कीमत तुम क्या जानो यार, क्या यार मैं डायलॉग मार रहा हूँ, डायलॉग बाजी नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। नीचे की तरफ तो थोड़ा सा आयरन है, तो उस आयरन को भी लेके आते जल्दी से। सो गाइस ये हमारा लास्ट आयरन, जल्दी से उठाते हैं, और नीचे की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, कहीं चढ़वड़ गए मेरे ऊपर, मर मोरा जाऊँगा मैं बेमतलब में। जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं, और जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाते हैं ऊपर, और यहाँ पर हो सकता है कि रात हो रही हो, तो जल्दी से एक बार ना सो लेते हैं, ताकि हमारा ना दिन हो जाए।
ऑब्वियसली यार रात ही हो रही थी। सो गैस यार आखिरकार एक साल के बाद मैं पूरा का पूरा ऊपर पहुंच चुका और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था मैं लिटरली। और अब जल्दी से हम लोगों ना मेरे पास जितना भी आयरन है और डायमंड है उससे सामान बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक डायमंड की पिकैक्स, जिससे क्या नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं ऑब्सीडियन माइन एंड हो सकता है हम लोग नेदर पोर्टल भी बना ले। और यहाँ पर हमारे पास चार डायमंड है टोटल, तो एक डायमंड की सॉर्ड बना लेता है दो डायमंड की और बचे हैं हमारे पास दो डायमंड, तो इससे बन जाएगी हमारी एनचेंटिंग टेबल। सो यस गाइस यार हो चुका है हमारे पास पूरा सामान कंप्लीट और अभी हमको बनाना है आयरन का आर्मर, तो उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो गाइस यार फाइनली से यार बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद मेरे पास आ चुका है फाइनल से एक नेदरराइट नहीं सॉरी आयरन का आर्मर, आयरन की सॉर्ड एंड एक आयरन की पिकैक्स। यार आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ आज के वाला एपिसोड आप लोग कैसा लगा। आज के वाली वीडियो यहीं तक की थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।